फॉलो कर रहे हैं? ऑफ कोर्स फॉलो कर रहा हूँ, और बिग बॉस तो हर साल फॉलो करता ही हूँ मैं। तो इस बार जैसे कि अरमान मलिक आया है, उनकी दो बेबियाँ हैं, ये कुछ ऐसा अटपटा सा इस बार जो कंटेस्टेंट आया, तो और जैसे कि दो बेबियाँ रखना ये अपने आप में एक मुद्दा ही है, इतने बड़े शो में आए, तो ये कैसा, मतलब ये क्या है, इस पर आप कुछ कर? देखिए, मुझे सबसे पहले तो समझ में आ नहीं रहा कि जो इस बार जो भी कंटेस्टेंट आए हैं वो अलग लेवल के आए हैं, लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई भी उनके पोस्ट पे, या आप जियो सिनेमा के भी पोस्ट पे उनके कमेंट देखेंगे, तो कोई पसंद नहीं करना चाह रहा है। इस तरह के छपरी लोग आए, लास्ट ईयर भी एक छपरी विनर बन गया था, इस बार भी ऐसा लग रहा है छपरियों का मेला आ गया है इस बार तो। सो आप अगर देख सकते हैं कि किस बेस पे उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और अगर हाँ, आपने अरमान मलिक का मुझसे पूछा, दो दो वाइफ लेके अरमान मलिक यहाँ शो में लेके आ रहा है, इससे ज़्यादा अजीब सी बात नहीं लग रही है, जिस पर राखी सावंत ने भी रिएक्ट करा है। और मैं बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ राखी सावंत से, उसने बिल्कुल सही कहा है कि इस तरह का जो गंदा नाच हो रहा है, जो सोसाइटी को मैसेज जा रहा है कि आप दो दो चार चार लड़कियाँ लेके साथ घूम सकते हो, साथ लेके जा सकते हो, ये बहुत गलत है। मुझे तो लग रहा है कि अरमान मलिक एक बहुत ही ख़राब और नीच इंसान है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। और देखिए, अंदर की बात बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, लोग कह रहे हैं कि दलाली भी करता है लड़कियों की, लड़कियों का दलाल भी है। और किस तरह की लड़की हैं आप वो देखिए, जो उसकी वाइफ है वो एक दूसरे के साथ दो बीवी हैं, कैसे बर्दाश्त कर रही हैं, एक को ये समझ में नहीं आ रहा है। एक पायल को भी बाहर कर दिया है, वो बाहर से कमेंट कर रही है, एक अंदर है अभी कृतिका, वो अंदर कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस बार बिग बॉस में क्या हो रहा है। इस तरह की गंदी हरकत शो में कभी नहीं होना चाहिए, एक फैमिली शो है। आप बताइए, एक मदर भी वो शो देखती है, एक वाइफ भी देखती है, हर फैमिली के लोग ऐसा शो देखते हैं, तो उसमें दो बीवियों के साथ जाना, ये तो गंदा मैसेज है बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी, जो देख रहे हैं कि भाई अब तो हम चार चार शादी करके जाएंगे, अरमान मलिक भी तो लड़की लेके घूम रहा है, इतने बड़े शो में आया, तो मेरे हिसाब से गलत है। और आप खुद देखिए, अभी मैं अगर एक मुस्लिम बताऊँ, अभी दो मुस्लिम लड़की घर में, सना मकबूल, सना सुल्तान, मैं दोनों को ओपनली प्रपोज करता हूँ, मैं दोनों के साथ निकाह कर रहा हूँ घर के अंदर, तो क्या बिग बॉस मुझे दोनों के साथ घर में रहने देंगे? मैं तो तैयार हूँ, अगर बिग बॉस हाँ बोल देगा कि आ जाइए दोनों के साथ निकाह करिए, लेकिन मैं एक के साथ निकाह नहीं करूँगा, दोनों के साथ निकाह करूँगा, जायज़ निकाह करूँगा, सना सुल्तान के साथ भी, सना मकबूल के साथ भी, तो क्या हम लोग के साथ रहने देंगे बिग बॉस के घर में? तो इस तरह की चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम भी ऐसा कदम उठाएंगे, दो लड़की नहीं चार लड़की लेके साथ घूमेंगे, चार चार बीवी रख के लोग साथ घुमाएंगे, क्योंकि लोग एग्जाम्पल देंगे कि अरमान मलिक को देखिए उन्होंने ऐसा करा है। और किस तरह का माहौल बन रहा है, आप देखिए, पिछली बार एल्विश यादव छपरी बिग बॉस जीता था, इस बार उसका बॉडीगार्ड आ गया, वो झटारिया का तो कुछ मालूम नहीं है, वो नेजी से कल भिड़ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसकी वे ऑफ टॉकिंग आप देखिए, उसकी लैंग्वेज देखिए, किस तरह का माहौल हो रहा है, किस तरह का शो हो रहा है, कोई भी ऐसा स्ट्रांग कंटेस्टेंट नहीं दिख रहा है जो जवाब दे पाए, झगड़ा कर पाए, या अच्छे से उसको रिएक्ट कर पाए, उनके आंसर दे पाए, तो मुझे लग रहा है बहुत गलत इस बार हो रहा है। लाइक ऑन द अदर हैंड, सना सुल्तान को लाइक धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इस पर फेम मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? सना सुल्तान को देखिए, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ सना सुल्तान को भी, सना मकबूल को भी, मैं तो दोनों से शादी करने के लिए रेडी बैठा हूँ अभी। अगर अरमान मलिक अपनी दो बीवियों को लेकर जा सकता है, तो मैं भी घर में जाके उन दोनों को अपनी बीवी बना सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि सना सुल्तान और सना मकबूल भी रेडी होना ज़रूरी है। तो मैं उनको अच्छे से रख सकता हूँ, खुश रख सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं एक कदम बढ़ाऊंगा तो बिग बॉस को भी दो कदम बढ़ाना पड़ेंगे। तो मेरा मेन पॉइंट तो ये है कि अरमान मलिक एक गलत हरकत कर रहा है, उसने एक सोसाइटी को गलत मैसेज दिया है। अरमान मलिक जैसे को शो से बाहर कर देना चाहिए, और गलती से भी अरमान मलिक या उसकी वाइफ को जिताने का तो सोचिएगा मत। देखिए ऑडियंस, मैं आप ऑडियंस से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, सब फैसले ऑडियंस के होते हैं। बिग बॉस एक ग्रुप है, एक कंपनी है, कलर्स एंडमॉल्स एक ग्रुप है, कंपनी है, इनका कोई भी हाथ नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सब ऑडियंस करती है, ऑडियंस जिताती है, ऑडियंस हराती है, ऑडियंस इविक्ट कराती है, ऑडियंस सेलेक्ट कराती है। तो अगर ऑडियंस ने इन लोगों को अंदर लिया है, तो पिछली बार एक छपरी जीता था, उसके बाद उसने क्या क्या हरकतें करी थी, मैक्सटन को मारा, गुंडागर्दी करी, अगर इस बार कोई भी छपरी जीता, वो झटारिया या वो अगर जीत गए, तो बिग बॉस का हाल बाहर भी खराब होने वाला है, फिर वो बाहर आके कॉन्ट्रोवर्सी करने वाला है। जो जेन्युइन पर्सनैलिटी है, प्लीज उनको सपोर्ट करिए, उनको जिताइए। सना सुल्तान बहुत अच्छी घर में परफॉर्म कर रही है, सना मकबूल अच्छा परफॉर्म कर रही है, नेजी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो जो जेन्युइन है, विशाल भी ठीक ठाक कर रहा है, ये जेन्युइन पर्सनैलिटी है जो लोगों को दिख रहा है। सना मकबूल को मैं बहुत पसंद करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर सना मकबूल जीतेंगी तो मुझे पर्सनली खुशी होगी, क्योंकि वो जेन्युइन बंदी है, नेचर वाइज भी अच्छी है, लोगों की हेल्प भी कर रही है, लोगों को सपोर्ट भी कर रही है। और इस तरह के फेक लोगों को बाहर होना चाहिए, जिस तरह वड़ा पाव घर है वो भी बाहर होने वाली है, आप देखिए वो भी एक नंबर की फेक है, मैंने पहले खुलासा किया था। अभी अरमान मलिक उसकी वाइफ को खुलासा करके आया हूँ कि ये सब दलाली बिग बॉस के घर में नहीं चलेगी, इतनी गंदी हरकत, दो दो बीवियों को साथ लेके आ रहे हैं, घूम रहे हैं और एक साथ साथ में कर रहे हैं, ये सब अय्याशी, ये सब जितने ठरकीपन अरमान कर रहा है, ये सब बिग बॉस में नहीं चलेगा, और बाहर भी इसका गलत मैसेज जा रहा है। प्लीज ऑडियंस, इसको एक शो की तरह देखिए, इसको सीरियस मत लीजिए, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, ये तो फेक आदमी अरमान मलिक, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो मेरा बस यही कहना है आप लोगों से कि प्लीज जो जेन्युइन है उसको सपोर्ट करिए, फेक लोगों को एक एक करके बाहर करिए, वड़ा पाव को बाहर करिए, अरमान मलिक को बाहर करिए, कृतिका को बाहर करिए,
उसके बाद झटारिया को बाहर करिए, इन सब फेक लोगों को बाहर करिए, जो जेन्युइन लोगों का गेम खेलिए, तो गेम देखने में आपको मजा आएगा। और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, मुझे भी आप लोगों का हमेशा प्यार चाहिए मुझे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।